वो क्या हाल है भाई सबके। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। देखो आज हमारा थर्सडे और आज हमारी क्या है वीकली एक्सपायरी। तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने क्या तीन ट्रेड ओपन की थी जिसमें मैंने एक को क्लोज कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ इस ट्रेड की समरी क्या थी और स्ट्रेटजी क्या थी। भाई सबसे पहले जैसे मार्केट खुला तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 11,900 की पुट को शॉर्ट किया। उसको किया था मैंने 4 रुपये कुछ पे 450 क्वांटिटी, ठीक है ना। जब मार्केट चल रहा था हमारा जब 11,998, ठीक है। फिर मैंने बाद में 1.75 क्वांटिटी और ऐड करी, मतलब उसको एवरेज आउट करने के लिए, जब मार्केट में एक अच्छा फॉल आया तो टोटल मेरा हो गया था 525 और प्राइस हो गया मेरा 5.46 रुपये। अब फिर एक मैंने दूसरी जो एक कॉल को शॉर्ट किया वो किया था 12,100 की कॉल को शॉर्ट किया था, वो किया था 4 रुपये पे और जब मार्केट चल रहा था हमारा 12,015 कुछ आसपास। तो मतलब जो मेरा आज का जो स्ट्रेटजी थी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल थी कि भाई दोनों का 100-100 पॉइंट का, जैसे स्पॉट प्राइस मान लो आप 12,000 मान लो तो भाई 12,100 और 11,900 का 100-100 पॉइंट का मैंने क्या किया उसमें दोनों को शॉर्ट कर दिया। सिंपल स्ट्रेटजी कुछ वो नहीं, क्योंकि देखो यार 12,100 का तो एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि वो पिछली बार जब इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे गया था उसके बाद वो टूटा ही नहीं है। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि वो जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 12,100 का, और 11,900 का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई दिनों से कंटिन्यूस बाई आ रही है। तो शायद आज प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो मार्केट थोड़ा मतलब नीचे आ सकता है, पर 11,900 को शायद नहीं तोड़ेगा, शायद ही होता मार्केट में तोड़ भी सकता है। अगर तोड़ेगा तो भाई उसके लिए हम या तो हम लॉस बुक करेंगे, सिंपल बात, अगर लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा वो आ रहा है मतलब फॉल आ रहा है मार्केट में तो हम या तो हम लॉस बुक करेंगे या फिर हम क्या करेंगे फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे कि मान लो 11,900 के आसपास मार्केट चला गया तो हम क्या करेंगे, सडन क्या करेंगे 11,950 की कॉल को शॉर्ट कर देंगे, मतलब उसको एवरेज, मतलब कहने का मतलब ये है सब कुछ ना कुछ करेंगे कि भाई अपने लॉस को कम से कम कर सके, क्योंकि हमें रिस्क मैनेज करना ही करना है। तो मेरी ये दो ट्रेड थी जो ओपन है। एक मैंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा रिस्क लेने की कोशिश थी कि जब मार्केट चल रहा था 11,990 के आसपास चल रहा था तब मैंने भाई 12,000 की कॉल को शॉर्ट किया, जो कि बहुत रिस्की होता, आप मत ट्राई करना अगर आप थोड़े भी नए हो, बहुत बिल्कुल ट्राई मत करना। हालांकि मैंने उसको 25 रुपये पे किया था, हालांकि वो 15 रुपये चल रही है अभी, मार्केट डाउन ही है, पर मेरे को लगा कि यार बहुत ज़्यादा रिस्क है, इतना रिस्क लेना भी सही नहीं है, तो मैंने फटाफट उसको निकाले, मैं बोला जो होगा देखा जाएगा, उसमें मैंने फटाफट निकल गया। पर दो ट्रेड मेरी कंटिन्यूस ओपन है तो बताऊंगा मैं आपको, चलो वीडियो को पॉज करता हूँ भाई। देखो भाइयों टाइम हो चुका है 12:05 और मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है 11,972 भाई, पिछले 10:10 से और टाइम हो रहा 12:05, मतलब तकरीबन 2 घंटे हो गए मार्केट को, और मार्केट की जो रेंज बनी हुई है वो बनी हुई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे 11,990 और नीचे की बनी हुई है 11,961। हालांकि भाई ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ना ऐसा मार्केट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको प्रीमियम डी के आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और एक्सपायरी डे वाले दिन तो और ज़्यादा मिलेगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई क्या होता है, जैसे सुबह खुला मार्केट ठीक है, प्रीमियम डी के ज़्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे दिन ख़त्म होता चला जाता, पर जब टाइम आता है 1 या 1:30 बजता है, 1:30 बजे के बाद क्या होता है कि भाई उस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो भाई बड़े बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशन लोग हैं, वो क्या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी उन्होंने जो अपनी हेजिंग के लिए जो पोजीशन ओपन कर रखी होंगी ना तो वो ब्लाइंडली भाई सोल्ड होती हैं, बाई होती हैं, उससे क्या होता है मार्केट में क्या थोड़ा जो वो जो पैनिक हो जाता है और थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है 1:30 बजे के बाद। तो ये होता है कि भाई जो हमारे रिटेलर जो हम जैसे लोग हैं हम उसमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर पर हम ट्रैप तब होंगे अगर हमने मतलब जो हमारी पोजीशन है जो काफ़ी क्लोज है, मतलब इन द मनी होने के क्लोज है, जैसे एग्जांपल ले लो जैसे अभी 11,981 चल रहा मार्केट और हमारी पोजीशन ओपन है 12,000 की कॉल की, देखो कितना सडन मूवमेंट आ रहा है 12,000 कॉल की, जैसे हमारी पोजीशन है तो उसमें क्या हमें रिस्क है, पर अभी क्या 100 पॉइंट तो ऊपर भाई और 80-90 पॉइंट नीचे, तो हमारा जो अभी तक जो हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम है। कहने का मतलब मेरा ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 1:30 बजे के बाद वाइल्ड मूव करता है, तो उससे भी मैं एक बात और बताने की कोशिश करूँगा आपको कि बहुत से लोग क्या घबरा जाते हैं, पता है कि देखो थोड़ी देर मूवमेंट करेगा जब सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, तब मार्केट फिर थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता है, फिर नॉर्मल होता चला जाता है धीरे धीरे, पर थोड़ा थोड़ा पहले मूवमेंट आता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या है भाई जो
लोग हैं। एक बंदे से मेरी बात हुई थी, वो बता रहा था कि मतलब उसने पोजीशन ओपन करी और सडन अच्छा मूव आया और उसका जो पोजीशन को उसको सीधा सीधा 8,000 का लॉस हो गया। तो वो मुझे बता रहा कि सर ऐसे से बात हो गई। तो मैं बोला यार तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था, मतलब वो थोड़ा जल्दी पैनिक हो गया। तो पैनिक नहीं होना, मतलब थोड़ा वॉच करते रहना अपने चार्ट्स वगैरह को। चलो मैं वीडियो को पॉज कर दूँ, अपडेट करता रहूँगा यार। हालांकि यार मुझे 2 बजे ऑफिस भी जाना है, देखो क्या होता है। पॉज करता चलो। देखो भाई वो टाइम हो रहा है 1:09 और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब आ गया है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आया है कहानी में, क्या मेरी ट्रेडिंग में ट्विस्ट आ गया और मार्केट में भी थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। भाई देखो सुबह क्या थी मेरी 3 पोजीशन थी जिसमें से एक मैं एग्जिट हो चुका था। तो भाई मैंने क्या किया जब 11,000 रुको हाँ जब मार्केट 11,950 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने क्या किया, अब एक 12,000 की कॉल को शॉर्ट कर दिया था, 9 रुपये की कॉल को, पर क्वांटिटी करी थी मैंने केवल 150 क्योंकि थोड़ा रिस्की था। तो उसमें भाई एक साथ मार्केट सडन चेंज आ गया और मेरा उसमें मैंने क्या किया भाई, मैंने 9 रुपये पे लेके मैंने उसका 25 या 24 रुपये पे स्टॉप लॉस उसका लगा दिया था, क्योंकि भाई कभी कभी ज़्यादा पास हो रहा था इसलिए मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगा दिया। तो भाई उसमें मेरे को 2100 रुपये का लॉस हो गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया। अब हिट होने के बाद मार्केट चला गया 12,000 के ऊपर, ठीक है। तब मैंने एक पोजीशन और ओपन की, आप देख पा रहे होगे जो पहले नहीं थी इसमें 11,950 की पुट, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए की कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिकवर करा, अच्छी बाइंग आ गई मार्केट में, इस वजह से मैंने उसको जो मेरा लॉस है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 11,950 की पुट को मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो यही कहानी में ट्विस्ट है अभी तक। तो अभी क्या, अब तो हालांकि मेरे को यार ऑफिस जाना है तो शायद मैं अब जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वीडियो ख़त्म होने का मतलब कह रहा हूँ जो ट्रेड ख़त्म हो जाएगा तभी इसका वीडियो समरी लास्ट में मैं करूँगा। अब मैं जैसे मैं अब सोच रहा हूँ इसमें स्टॉप लॉस लगा के मैं अपने ऑफिस जाऊँ। चलो ठीक है देखो भैया मार्केट क्लोज हो चुका है और आज हमको प्रॉफिट हुआ है एक्सपायरी पे 5152 रुपये का, ठीक है। हमारी देखो 4 में से 3 ट्रेड हमारे फेवर में गई और एक हमारे अपोजिट गई जिसमें हमको 2100 रुपये का लॉस हुआ, जिसमें हमने 12,000 की कॉल को शॉर्ट किया था। वो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और उसको मैं अवॉइड कर सकता था। कहने का मतलब ये कि भाई यही गलती मेरे से हुई कि मार्केट जब 11,950 के आसपास आया तब मैंने 12,000 की कॉल को शॉर्ट किया था, पर मेरे को नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती हुई है। पर ओवरऑल पर मैंने उसको भाई ट्रेडिंग में यही आपकी गलती हो जाए तो हो गई तो उसको रिकवर करने के लिए आप कुछ ना कुछ अपना बैकअप प्लान रखो। तो मैंने तभी क्या किया जब मेरे को लगा कि मार्केट अच्छे से रिकवर कर रहा है तो मैंने 11,950 की पुट को शॉर्ट कर दिया और उसमें मेरे को 2700 रुपये का प्रॉफिट हो गया। चलो अच्छा दिन गुजरा और आज हमको 5152 रुपये का प्रॉफिट हुआ। चलो बाय भाई।